After receiving standing ovations at film festivals around the world, Sanjay Mishra's social drama Gutli Laddu is now up for everyone to see. A poignant story of a sweeper son who has a dream to go to school but can't because of the caste he was born into. The trailer has a lot of heart. आपके लिए इसमें सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंट क्या था? मेरे लिए यूनिक पॉइंट शरत जो इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत ही अलग स्कूल ऑफ सिनेमा से आते हैं. वो अनीस बजमी हमारे एक डायरेक्टर हैं, बहुत कमर्शियल डायरेक्टर हैं, बहुत एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं, उनके ही असिस्टेंट होते थे. जब वो मेरे पास ऐसा सब्जेक्ट लेके आया कि संजय भाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं और ये रोल आपको करना है, तो लगा यार ये मतलब ऐसा क्यों कर रहा है ये. लेकिन फिर लगा एक रिस्क लेते हैं बढ़िया सा, और सब्जेक्ट बहुत अलग था और मैं प्रिंसिपल के रोल में जो कहीं से लगता ही नहीं हूँ, तो सब कुछ एक वो वाला था कि सब कुछ एक नयापन है, तो इसलिए मैंने इस पिक्चर को लेके हाँ कर. तुम सब क्लास के अंदर बैठकर भी बाहर रहते हो और वो गुटली बाहर होते हुए भी अंदर है. ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है, उसको ना तुम इधर से जाके पकड़ लेना. मैंने आप लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गुटली. Yes. कितना मजा आया उस प्ले करने में, और ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब है ऑन स्क्रीन उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब पहले दिन पे मैं थोड़ा सा नर्वस था और मेरा पहला ही सीन ऐसा था कि मुझे संजय सर को ए हरी करके बुलाना है, मतलब नाम से बुलाया, तो मैं थोड़ा सा ऐसे नर्वस था. फिर इन्होंने बताया कि नहीं वो तो शूटिंग के बाद में तू मुझे दादा या कुछ भी बुला सकते हैं, फिर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, शूटिंग में तुझे एकदम कैरेक्टर में रहना है. फिर मैंने बोला ओके सर, फिर एकदम बराबर जर्नी रही, मज़ा आया. वो दोबारा जो स्कूल गो ना दोनों टांगे तोड़ दे. अम्मा हमें पढ़ने पढ़नो हते तो कौन ऊंची जात में पैदा तो अपने बाप की तरह भंगी को काम ना करना पड़े. ये भंगी का होता है? भंगी जाते हमारी साफ सफाई को काम करने वाले लोगों को भंगी कहते हैं. बट सर ये सब्जेक्ट जैसे आपने कहा काफी डीप मैसेज है. जी बिल्कुल. आपका अभी जैसे आफ्टर कोविड अब एजुकेशन तो मोबाइल पे भी काफ़ी लोगों को एक्सेस हो गई है, आपको लगता है सोसाइटी इस मामले में इम्प्रूव हो गई है, चाहे वो बैकवर्ड हो या कास्ट सिस्टम के हिसाब से? बहुत बैकवर्ड में जाएंगे तो मोबाइल अभी उतना लोगों के हाथ में, उन बच्चों के हाथ में है नहीं. लेकिन जो एक ये सवाल है ना कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए. बच्चे बच्चे हैं, उनको अभी ये मत डालो कि तुम ये हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम ये हो तो तुम इसलिए ये कर सकते हो. एक बड़ा अच्छा डायलॉग है इसका और इसकी मम्मी का. ये पूछता है मम्मी, मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ उसका फ्लेवर है कि मम्मी जो सफाई करते हैं वो भंगी कहलाते हैं क्या? तो वो कहे नहीं, जो घर में सफाई करते हैं वो नहीं भंगी कहलाते, लेकिन जो बाहर सफाई रखते हैं वो भंगी कहलाते. तो ये बच्चों के दिमाग पे असर करता है कि यस मेरे फादर बाहर सफाई करते हैं यार, मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए. जो घर की साफ सफाई करते हैं वो घर के भंगी है का? घर पे नहीं मोड़े, घर के बाहर जो साफ सफाई करे ओके भंगी बोले. हाथ कैसे लगा होता है, पूरा गंदा कर दो. सर ने जैसे बताया डायरेक्टर साहब के बारे में, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ सेट पे? मतलब वो एकदम ही कूल है, मतलब वैसे उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है, मैंने कुछ भी गलत किया हो या कुछ भी किया उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा, बस उन्होंने मुझे समझाया है कि बेटा ये करना है ये ऐसे करना है, पर अगर मैंने कुछ अलग कर लिया तो वो कुछ नहीं कहेंगे, फिर से कहेंगे ओके रिटेन. आपके साल में सारे रोल्स देखते हैं, चाहे कॉमेडी हो गया चाहे इंटेंस चाहे मैसेज, तो कोई ऐसा यू नो स्क्रिप्ट में या चॉइसेस में कुछ आपका प्रोसेस है कि मैं ये चाहता हूँ ये करूँ? मैं हमेशा अपने डायरेक्टर्स को देता हूँ कि बॉस मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है, और देना भी चाहिए. मैं हमेशा एक्टर्स को कहता हूँ कि तुम करके दिखा दो. सर मैं ये करूँ तो फिर वो नहीं, अभी जल्दी से करना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, लेकिन तुम करके दिखा दोगे तो फिर वो ढोंडू जस्ट चिल हो जाता है. करके दिखाने वाली बात होती है. पूछोगे कि रोहित सर मैं ढोंडू जस्ट चिल बोलूँ तो वो कहेंगे नहीं नहीं यार अभी ये कर ले यार, मतलब बाद में किसी और पिक्चर में. लेकिन आप जब करके दिखा दोगे तो कहेंगे वाह यार फिर एक बार और बोल दे. मैं सामान लेके आऊँ? ढोंडू जस्ट चिल भाई. ओके एक मिनट, डॉक्टर से इस तरह बात नहीं करते भाई साहब. जस्ट डॉक्टर हूँ. आप डॉक्टर हैं?
अरे पूछ रहा है कि बता रहा है? बता रहे हैं, ये आपके इलाज के लिए आए हैं, आपकी भलाई के लिए, जस्ट फॉर योर सेफ्टी पिन मुन्ना। आपने इस इंडस्ट्री में 3 डेकेड से ज्यादा समय निकाल लिया है, आपके वो इनिशियल डेज में ऐसी कोई लर्निंग्स थी जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि आपने सोचा आप इतने आगे आएंगे 3 डेकेड की तक? एक चीज होती है व्यवहार, आप अलग 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 हर यूनिट में आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा यूनिट आपके तरह से एडजस्ट करेगी आपको, तो ये एडजस्टमेंट जो है ना ये बहुत सिखाया मुझे कि एडजस्ट करो, ठीक है पूरे दिन काम नहीं है आपको बिठा के रखे इधर आओ, और मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कब ये समाज आपको है इधर आओ से सर करने लग जाता है, ये आप खुद भी नहीं जानते ये प्रोसेस जो है, तो ये जो है कि बॉस थोड़ा एडजस्ट करके उधर भी भावना ठेस ना पहुँचे इधर भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और काम अपना करके दिखाओ और करो कुछ करो, ये नहीं कि कोई एक फिल्म आएगी जिसमें मैं करूँगा, हर वो छोटा रोल आपके लिए बहुत बड़ा रोल है तो आपको करना होगा। कान खोल के सुन ले, तू केयर टेकर है तो मैं अंडरटेकर हूँ। बबली सर आप प्लीज यहाँ से कल्टी हो जाओ। कल्टी क्यों, मैं आज ही पीऊंगा। सो फार सो गुड, भुला भूतनी को। हेलो ए बी सी डी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल, डी फॉर डायन, कम ऑन बेबी भूतनी, शो योर मूव। इतने स्पेशल किरदार हैं, ऐसा कोई एक किरदार या फिल्म जो आपके साथ बहुत रहा हो शूट खत्म होने के बाद भी? आंखों देखी, क्योंकि उसकी अपनी एक फिलॉसफी थी जो फिलॉसफी मैं यकीन करता हूं, बस यही सपना मुझे बार बार आता है कि मैं उड़ रहा हूं आकाश में पंछी की तरह, गगन को चीरता मैं चला जा रहा हूं, लेकिन ये सपना नहीं है वास्तविकता है। वध एक फिल्म थी, पहले उसका नाम ग्वालियर था, वो फिल्म मैं ग्वालियर में करके आया था, हम लोग को कभी कोई ऐसा मर्डर बॉडी को काटना जलाना इस तरह के लोग नहीं हम लोग, लेकिन उसमें करना था वो बहुत दिनों तक, मैं वो करने के बाद 1 महीने तक घर में बहुत डिप्रेस और बीमार जैसा रहने लग गया। मैंने सचमुच मारा उसको चाकू से। जी चाकू से। कड़वी हवा, मुझे पूरा स्किन डिजीज हो गया, वो भी काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रहा, मतलब 45 के ऊपर के टेम्परेचर में आप काम कर रहे हैं, ज़मीन है, सूखापन है, वो आपके अंदर आ जाता है, कहते हैं आप जैसा सोचते हैं आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही होने लग जाता है। हमारे जमाने में 4 अलग अलग दिशन से खुशबू लेके आते वो, अब ना जाने का हो गया उसको, जैसे बीमार हो गई हो। ओके सर, आई हैव टू रिस्पेक्ट बोथ ऑफ योर टाइम्स, मैं क्विकली अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। धने, आपके लिए इस पूरी फिल्म में आपका फेवरेट सीन कौन सा था ऑन स्क्रीन, अगर सर के साथ हो तो? सर के साथ तो वैसे सभी सीन एकदम मस्त थे, कूल थे, एंड अगर बेस्ट सीन की बात आए तो लास्ट वाला सीन, वो रिश। यस। इसके बाद अभी से आपको सब गुटली गुटली बुलाने लग गए हैं स्कूल में, या अभी आफ्टर दिस पॉपुलैरिटी सक्सेस अब गुटली गुटली बुलाएंगे? After the popularity. मेरी बच्चियाँ बड़ी फैन हैं। अच्छी बात है सर। मतलब फिल्म में जो इसने किया है जिस तरह का, अगर तुम देखोगे तो वाकई में बहुत दिनों बाद किसी बच्चे का एक ऐसा काम आया। पता है आसमान में कितने तारे होता? कितने? बहुत सारे, बस बाकी के चमकत नहीं, काहे कि वो अपने अपने गटर में बंद है। लोग देख के निकालें क्या टेक अवेज हो, कोई कॉन्वर्जेशन जो इससे स्पार्क हो जाए? कुछ फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, कुछ फिल्में मनोरंजन तो हर फिल्म में, लेकिन थोड़ा झकझोरने वाली बात होती है ना कि ओ हो ये किस दुनिया में जी रहे हैं। हमारे बच्चों के अलावा भी और भी कई बच्चे हैं जिनको 2 रात की रोटी नहीं नसीब होती, जिनको कुछ नसीब नहीं होता, उनका क्या कसूर है कि उस फैमिली में जन्मे हैं, उनका हक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को थोड़ा हिलाएंगी। सीख जाए गटर डाल में कैसे उतरे, और ना सीखे तो भूखा मरे। हमारे माथे पर झाड़ू से लिखा कि हम जय करें। गुटली।